फिल्म रामलीला आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी कंट्री के कुछ पार्ट्स में इस फिल्म को लेकर चल रही कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से अब तक ये फिल्म वहाँ रिलीज नहीं हो पाई है। कल शाम गुजरात से खबर आई थी कि यहाँ कुछ लोगों ने एक थिएटर में जाकर तोड़फोड़ की है और टिकट बुकिंग क्लर्क की पिटाई भी की है। यही वजह है कि अब रिपोर्टेडली गुजरात के कुछ मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने फिलहाल के लिए इस फिल्म की रिलीज को एक दिन के लिए टाल दिया है। मल्टीप्लेक्स ओनर्स का कहना है कि पुलिस उन्हें आज के दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि पुलिस फोर्स मुहर्रम के बंदोबस्त में बिजी है। ऐसे में इस फिल्म को सैटरडे को ही रिलीज किया जाएगा। वैसे इंडिया के बाकी पार्ट्स में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है, लेकिन कई जगह अभी भी कोर्ट्स की ऑर्डर्स को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। जहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फिल्म से रिलेटेड एक FIR के मामले में संजय लीला भंसाली और दीपिका रणवीर की अरेस्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है, वहीं एक मध्य प्रदेश के कोर्ट ने संजय को फिल्म के टाइटल में बदलाव करने का आदेश दिया है। ये पूरा मामला अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जहां ये फिल्म कई तरह के लीगल मामलों में फंसी हुई है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट की वजह से भी इस फिल्म को ठीक तरह से रिलीज नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इन कॉन्ट्रोवर्सीज का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर फिल्म का कॉन्टेंट अच्छा हुआ तो ऑडियंसेस कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद इस फिल्म को देखने थिएटर्स में जरूर पहुँचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।